लियाकत साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए, कहाँ उन्होंने एजुकेशन ली और कहाँ उन्होंने हुकूमत की, इसके पीछे एक कहानी है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है और उसी कहानी को हमने दो तीन सफ़ों में समेटा है जो आपके रूबरू पेश खिदमत है। इस हवेली को देखकर वो सारे फ्लैशेज एक पल की तरह सामने आ जाते हैं जो इन सफ़ों में लिखे हुए हैं। हिंदुस्तान का सूबा हरियाणा और हरियाणा के अंदर बसा करनाल, अक्टूबर 1895 में लियाकत अली खान साहब जन्मे। उनके पिता का नाम नवाब रुस्तम अली खान। नवाब रुस्तम अली खान को नवाब बहादुर और रुकन अल दौला शमशेर जंग का खिताब हासिल था। नवाब रुस्तम अली खान उन दिनों बहुत बड़े गिने चुने जमींदारों में से एक थे जिनकी जमींदारी पूर्वी पंजाब माने भारतीय पंजाब और यूपी तक फैली हुई थी। उनके पास करनाल क्षेत्र के लगभग 300 गांवों की जमींदारी थी। लियाकत अली के दादा नवाब अहमद अली खान ने 1857 के पहले स्वाधीनता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना की भरपूर मदद की थी। उसके एवज में भी लंबी चौड़ी जागीरें पुरस्कार स्वरूप मिल गई थी। हालांकि पहले भी जमीनें कम नहीं थी इनके पास। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कानून की उच्च शिक्षा के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और उन्हें मास्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस की डिग्री के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा भी मिल गया। डिग्री लेने के बाद वह थोड़े समय के लिए वहाँ प्रैक्टिस भी करते रहे। 1923 में लियाकत स्वदेश लौटे। शुरुआती दौर में वह संयुक्त भारत के हिमायती थे मगर थोड़े समय के बाद वह मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। अब यह बात भी कम दिलचस्प नहीं कि लियाकत ने अपना पहला चुनाव मुजफ्फरनगर, वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से 1926 में जीता। 1932 में वह यूपी विधान परिषद के उपसभापति चुने गए थे। वह 1940 तक विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य रहे। उसी वर्ष वह सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए भी चुन लिए गए। मुस्लिम लीगी होने के बावजूद लियाकत कट्टरपंथी नहीं थे। मुस्लिम हितों के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बावजूद अपने लगभग हर भाषण में वह हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते। उनके लीग अधिवेशन के एक भाषण के कुछ अंश इस तरह थे, मगर हमें यह भी नहीं भूलना होगा कि ब्रिटिश हुकूमत के दिन अब गिने चुने हैं और हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बनाए रखते हुए अपने इस सांझे मुल्क की सांझी और समृद्ध विरासत को मजबूती देनी होगी। हमारी मातृभूमि सांझी है, हमारी जायदादें, रहन सहन, बोली, पहरावा सब कुछ साझा है। और 1930 में एक ऐसा वक्त भी आया था जब जिन्ना लंदन की गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मिली नाकामयाबी के बाद हताश हो गए थे और लंदन में फिर से प्रैक्टिस शुरू करने की बात सोचने लगे थे। उस समय लियाकत और उनकी पत्नी ने उन्हें हताशा से उबारा। उन्हीं दिनों चौधरी रहमत अली और मोहम्मद इकबाल ने अलग मुस्लिम राष्ट्र का ताना बाना बुना। पहली बार तभी पाकिस्तान का नाम सामने उभरा। लियाकत दंपत्ति के मशवरों और चौधरी रहमत अली व मोहम्मद इकबाल की सक्रियता जिन्ना को हताशा से उबार लाई। लियाकत का महत्व निरंतर बढ़ने लगा। जिन्ना ने स्वयं उनका नाम मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी पद के लिए प्रस्तावित किया था। वह मुस्लिम लीग के केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड के अध्यक्ष भी बनाए गए और दैनिक डॉन अखबार के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन गए। कैबिनेट मिशन के सामने अपना पक्ष रखने में जिन्ना की सारी मदद लियाकत ने ही की, मगर पाकिस्तान के गठन के बाद शुरुआती दौर में लियाकत अली खान को कड़ा संघर्ष करना पड़ा। जिन्ना 1948 में ही चल बसे थे।
ऐसे हालात में लियाकत स्वयं ही अपने सरप्रस्त थे। उन दिनों वामपंथी भी सक्रिय थे, जिनका एक धड़ फैज अहमद फैज के नेतृत्व में काम कर रहा था। मुस्लिम कट्टरपंथी भी उनके हक में नहीं थे और वामपंथी भी खिलाफत पर उतारू थे। ऐसे माहौल में बीच का रास्ता तलाशते लियाकत अली खां की 1951 में हत्या कर दी गई। और कहा यह भी जाता है कि जिन लोगों ने हत्या की वो हमेशा लियाकत अली खां के आसपास ही रहा करते थे। और पाकिस्तान को बनाने में जिन्ना के दाहिने हाथ माने जाने वाले नवाबजादा लियाकत अली खां को पाकिस्तान के इतिहास में शायद वो मकाम हासिल नहीं हुआ जिसके वो असली हकदार थे। कुछ एक हिस्टोरियन का तो यह भी मानना है कि लियाकत अली खान ने अनेक संवेदनशील मौकों पर पाकिस्तान आंदोलन और जिन्ना को संभाल लिया था, वरना मुमकिन यह भी था कि सारे सिलसिले को तरजीह मिलने में कुछ और वक्त लगता या फिर तस्वीर ही अलग बनती। और यही वो शख्स थे जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। स्वाधीनता से पूर्व भारत की अंतरिम सरकार के पहले प्रतिरक्षा मंत्री और पहले वित्त मंत्री भी थे। और आज उनके अब्बा हजूर की बनाई हुई इस हवेली में मेरा इस कदर यूं चलना और एक एक गलियारे से गुजरना और मेरा ये सोचना कि लियाकत साहब शायद इस कमरे में पढ़ा करते थे, शायद इस कमरे में सोते थे और शायद इस आंगन में वो खेला करते थे। इतनी बड़ी हवेली कहां क्या था कोई बताने वाला नहीं। हालांकि यहां के बाशिंदे बताते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से लोग इस हवेली को देखने आया करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं आते। मेरे लिए तो ये भी एक सवाल है कि कौन थी शमशाद जिसका नाम यहां लिखा है। हालांकि इसके बारे में एक कहानी मैं अपने आप बुन लेता हूँ और वो ये कि ये हवेली शायद बहुत पहले बन गई थी, लेकिन 1942 में सीमेंट की परतों से इसे ढका गया, मतलब सीमेंट की गई और शमशाद बेगम या शमशाद बानो या नवाबजादी, क्या मैं नहीं जानता, नाम लिखा गया जिसको ये डेडिकेट की गई, जिसकी याद में ये बनाई गई। वो शमशाद कौन थी? अगर मैं यहाँ गौर से देखता हूँ तो एक नो की परत दिखती है, नो नहीं दिखता है, एक परछाई नो की दिखती है, फिर मुझे दिखता है 4 और 2। इसलिए मैं पुख्ता होकर ये बात कह रहा हूँ कि 1942 में इस पूरी हवेली को सीमेंट से ढका गया, शायद उसके बाद रंग और रोगन भी होने थे, लेकिन हालात तब्दील होने शुरू हो चुके थे। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि लियाकत साहब कहाँ कहाँ बैठते थे पढ़ने के लिए, कहाँ वो क्योंकि वो पढ़े लिखे थे तो ज़रूर वो टाइपराइटर भी साथ रखते होंगे, टाइप किया करते होंगे, उस टाइपराइटर की आवाज़ इसी हवेली में गूंजती होगी, जैसे आज जो कलंदरी गेट कहा जाता है, जो एक पहचान है करनाल की, वहाँ से घोड़े गुजरते होंगे, बग्गियां आती होंगी, जब इस परिवार की औरतें बाजार जाती होंगी खरीदारी करने के लिए तो वो बग्गियों में जाती होंगी, बुरकों से चेहरे ढके हुए होते होंगे, एक हिजाब होता होगा, पर्दादारी होती होगी। इस हवेली में भी एक पर्दादारी होती होगी, वही रस्म व रिवाज होते होंगे, इस हवेली की छत पर से ईद का चांद देखा जाता होगा और जो ये चांद मैं देख रहा हूँ जहाँ ये बंदर बैठा है,
एक कमाल की चीज़ मुझे इस हवेली में दिखाई दी और वो है चिमनी। मैं आपको दिखाता हूँ कि चिमनी को इस परिवार के लोग अब भी कभी कभी यूज़ करते हैं। मुझे अभी बताया गया कि हमने कुछ महीने पहले ही इसके अंदर आग लगाई थी। तो इसका रास्ता यहाँ से है और ऊपर से धुआं निकलता है। तो ये है वो चिमनी जो आज भी सही सलामत है। मतलब कहा जाए कि 72 साल हो गए उन लोगों को यहाँ से गए हुए, लेकिन ये चिमनी सही सलामत है। और यहाँ मुझे एक गिरनी दिखाई देती है तो मेरा एक अंदाज़ा होता है कि यहाँ एक, और मेरा अंदाज़ा ये भी है कि यहाँ एक गिरनी होती होगी, लेकिन कुआं कहाँ होता होगा ये मेरी समझ से बाहर है। तो ऐसे ही कितने सवालों से घिरा हुआ ये वीडियो बहुत सारे सवाल अधूरे छोड़ देता है जवाब लेने के लिए। शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश, शुक्रिया। इस वीडियो में जो बातें आपने सुनी, जो लिखा हुआ लियाकत अली साहब के बारे में जितना भी पार्ट सुना वो मैंने नहीं, हमारे आदरणीय डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब ने लिखा है, जो कि मैं पहले भी कह चुका हूँ हमारे हरियाणा प्रदेश के एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शायद विभाजन पर सबसे ज़्यादा लिखा है। और वही मुझे गाहे बगाहे वो चीज़ें देते रहते हैं जब मैं कहता हूँ कि सर मुझे अब ये चाहिए, तो वो मुझे कहते हैं कि केशव सब कुछ है हमारे पास। और हाँ, लियाकत अली साहब के जानने वाले, उन्हें समझने वाले, उनके विचारों को फॉलो करने वाले लोगों को ये वीडियो आप ज़रूर शेयर करें। और करनाल के बाशिंदे जहाँ भी हैं, भले वो हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं, वो इस नवाबी छत्ते को, इस नवाबी छत्ते की वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए।